उत्तर प्रदेश में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी नेताओं के चेहरे खिला दिए, तो वहीं बीएसपी से गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरों का रंग फीका कर दिया। क्योंकि बीएसपी के साथ आने के बाद भी पार्टी महज 5 सीटों पर ही अटक गई। पार्टी से बड़े नेताओं तक को हार का स्वाद चखना पड़ा। इस हार से जितना अखिलेश परेशान है, उससे कहीं ज्यादा मुलायम सिंह यादव हैरान है। इसलिए अब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर पार्टी की कमान संभाल ली है। कभी समाजवादी जनता पार्टी का हिस्सा रहे मुलायम सिंह यादव ने तमाम सियासी उठापटक के बीच 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखा था। इसके बाद तमाम उतार चढ़ावों के बीच सपा कभी हारी और कई बार जीती भी। 2012 तक सब कुछ ठीक था, मगर जब पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में गई, उसके बाद हुए चुनाव में तो पार्टी की सूरत बिगड़ती चली गई। बात 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की हो, या 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की, या फिर 2019 में हुए आम चुनाव की, सपा का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। हालांकि अखिलेश यादव ने कोशिश तो काफी की, मगर मोदी की आंधी के आगे अखिलेश की सभी कवायदें नाकाम रही। पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर अखिलेश यादव तो परेशान है ही, वहीं मुलायम सिंह यादव भी बेहद दुखी है। शायद इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की कमान दोबारा संभाल ली है। बताया जा रहा है कि सपा संरक्षक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हार को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पिछले कई दिनों से वो सीधे पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहां वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों में मुलायम ने पार्टी में साइडलाइन किए गए नेताओं से मुलाकात की, ताकि हार के कारणों को तलाशा जा सके, साथ ही आगे की रणनीति बनाई जा सके। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी पार्टी को नए सिरे से खड़े करने के लिए कमर कस ली है। इसलिए अखिलेश ने रविवार यानी कल ईद मिलन समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान सभी पार्टी नेता जुटेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। यानी साफ है कि पिता और बेटे ने हार के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, मगर ये कोशिशें क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।